25 साल शिवसेना का गठबंधन था बीजेपी के साथ, वो बर्बाद हुआ और बीजेपी का हिंदुत्व पावर के लिए होता है, क्या कहना चाहिए? उद्धव जी ने बर्बाद हुआ नहीं कहा, वेस्ट सड़ गया, बहुत ही तिखी उनकी रिएक्शन थी। कल आपने देखा हुआ, ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। चाहे अकाली दल हो, चाहे गोवा में MGP हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे चंद्राबाबू हो, सभी को जयललिता, सभी को उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन शिवसेना के लिए पार्टी है जिसने कीमत उनको चुकाने पड़ने के लिए काम किया है, एक ही पार्टी। उद्धव जी ने एक बात और कही कि देश भर में शिवसेना ने अपना विस्तार नहीं किया, बीजेपी को बढ़ने का मौका दिया, शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित रही, लेकिन आज बीजेपी जो है वो आंखें दिखा रही है। हाँ हाँ, बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते, तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होता, लेकिन हमने ये सब कुछ बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि ठीक है आप देश में बढ़ जाइए, हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। ये हमारी एक बड़प्पन थी बालासाहेब ठाकरे की, एक बड़ा मन था बालासाहेब ठाकरे जी का, वो रियल हिंदुहृदय सम्राट थे, क्योंकि अगर एक हिंदू पार्टी देश में बढ़ना चाहती है तो हम उसमें कोई अड़चने नहीं पैदा करेंगे। आप और हम एक विचारधारा के लोग, चाहे आप बढ़े चाहे हम बढ़े, लेकिन विचार बढ़ता है, ये बालासाहेब ठाकरे की सोच हमेशा रही। ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हो, कौन सी तलखी, क्या है, खत्म हो गया सब। सर, मराठी बात कही गई कि जो हिंदुत्व है उनका पावर का हिंदुत्व है, डुप्लीकेट सर, मराठी में ढोंग, नकली। कल उद्धव ठाकरे जी ने यही कहा, जब सत्ता चाहिए तो सब ये हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है, सत्ता के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में तो उनको दूर किया जाता है, ये उनकी नीति है, ये उनका धर्म है। गोवा में भी यही कर रही है बीजेपी, लक्ष्मीकांत पर्तिकर हो या आपने देखा होगा, पर्रिकर का क्या होगा, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत पार्सेकर का क्या होगा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से जी का क्या होगा, आप देख रहे हो महाराष्ट्र में मुंडे परिवार के बारे में क्या हो रहा है, पूरे देश में होता है ये। आपने देखा होगा रामविलास पासवान जी के परिवार का क्या हो गया, है ना। तो इसके बारे में आप पहले से कह रहे थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बीजेपी के। आई भवानी जगदर म्हणजे 24 तास